मेरा बेटा 14 इयर्स का है, उसको थैलासीमिया मेजर है। उसको हर 15 दिन बाद ब्लड लगता है। हमें अब थोड़ी दिक्कत आ रही है ब्लड लगाने में, ब्लड पीछे से नहीं हो पा रहा है कोविड की वजह से। जैसे कि कोविड है जिसको वो नहीं दे सकते 6 महीने ब्लड, और जो वैक्सीन की वजह से आ रही है ब्लड की दिक्कत, कि जिसको वैक्सीन लग रही है वो 56 डेज नहीं दे सकते ब्लड इस करके। चलो अब तो त्रिशला दी का थैंक्स है बहुत बहुत, जो कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए बहुत ही कर रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत हमारी हेल्प करते हैं हमारे बच्चों के लिए। बस यही है कि आने वाले समय में कि ये ना हो कि बच्चों को ब्लड ना मिले, इसलिए हमें बहुत हो रहा है कि हमें ब्लड बच्चों को डेली ज़रूरत होती है 15 दिन बाद। तो कभी इनसे बात होती, क्योंकि ब्लड नहीं मिलता तो इनको काफ़ी परेशानी आती है, ढूंढना पड़ता है, ऐसा कभी उन्होंने बताया आपको? हाँ जी दीदी, वैसे कर लेते हैं, जैसे भी करें हमको ब्लड दे देते हैं। लेकिन आपको बताते तो होंगे ना? हाँ जी, सैटरडे को भी लगना था ब्लड, इसी वजह से नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से फिर दीदी ने थोड़े दिन बाद बुलाया हमको अरेंज करके ब्लड का। हाँ जी, मेरा नाम त्रिशला शर्मा है। त्रिशला जी बताएं आप क्या करते हैं, आपको ब्लड की क्यों जरूरत पड़ती है? मैं होप फॉर लाइफ नाम से एनजीओ चला रही हूँ, और मेरे पास 24 थैलेसीमिक बच्चे अडॉप्टेड हैं जिन्हें हर 15 से 20 दिन बाद या 10 दिन बाद ब्लड लगता है। और कितना खून की जरूरत रहती है? मतलब मेरे को हर मंथ 50-60 यूनिट्स ब्लड की नीड होती है, जो कि हमें इस टाइम पर मुश्किल आ रही है कोरोना के कारण। क्यों मुश्किल आ रही, क्या मुश्किल? क्योंकि अभी मोस्टली कोरोना काफ़ी पीक पे है और लोग जो हैं ब्लड, एक तो ब्लड देने से डरते हैं, दूसरा वैक्सीन लगाने के कारण ब्लड दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो हमें 56 डेज का गैप चाहिए होता है ब्लड देने में, इस कारण ब्लड की दिक्कत ज़्यादा आ रही है। तो ये कितने दिन से प्रॉब्लम आ रही है आपको? लास्ट 2 मंथ से ज़्यादा आ रही है। अभी ब्लड जो है डोनर्स एक तो आ भी नहीं रहे, क्योंकि कोरोना है तो सभी डरते हैं कि हम दें कि ना दें, अगर कोई दिक्कत ना हो, और अगर कोरोना हो भी गया तो भी हम 6 मंथ ब्लड नहीं दे पा रहे, इस कारण दिक्कत आ रही है सर। हक दे सच दी खबर ले लाइक दे सब्सक्राइब करो पंजाब द नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।